हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेडिया एकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती से संबंधित एलटीसी से अपडेट बता रहे हैं आपको। ऑनलाइन जो लिंक है आपका एक्टिव हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना है, आपको अपना विभाग कैसे करना है, पहले विभाग में कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा SSOIT के माध्यम से। LTC भर्ती परीक्षा 2018 के विभाग का विकल्प बनने हेतु यहाँ पर क्लिक करना है। यानी कि आपको जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा फर्स्ट, उसमें आपको ज्वाइन होकर के ये PDF जो है डाउनलोड करनी है। साथ ही आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए जानकारी जान लेते हैं अब। तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर खुल चुकी है, ये आप देख पा रहे होंगे। किसकी वेबसाइट है यहाँ पर देखिएगा, ardrajasthan.gov.in। तो आपको थोड़ा नीचे चलना है। कहाँ पर चलना है, थोड़ा नीचे की साइड में चलना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आपको चलना है। यहाँ पर लिखा हुआ है LTC भर्ती परीक्षा 2018 के विभागों का विकल्प बनने है, तो क्लिक करें। दिन में भी यहाँ पर लिखा हुआ था LTC भर्ती क्लिक, ये लिखा हुआ था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बोला था कि सर आप गलत बता रहे हो, ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सबसे पहले ये लिंक बता दिया था आप लोगों को। आपको पता हो तो सबसे पहले एक भी विद्यार्थी ने नहीं बताया था, एक भी स्टूडेंट ने पता नहीं था, तब मैंने ये जानकारी दे दी थी। तो चलिए जानकारी में इसमें क्या करना है, इसमें क्लिक करोगे। अभी आपको एक फॉर्म बताऊंगा वैसे क्या करना है। यहाँ देख रहे होंगे inter SSO ID inter SSO password, आप यहाँ पर ये डालते एक फॉर्म आएगा आपके सामने। कौन सा आएगा वो आपको मैं बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप सारी जानकारी समझ लो। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको LTC से संबंधित सारी जानकारी पल पल की अपडेट के माध्यम से आपको हमारी वेबसाइट में मिलती रहेगी। आपको वेटिंग कब आएगी, आपको ज्वाइनिंग कब मिलेगी, सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं जानकारी। यहाँ पर जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी है, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जानकारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख रहे हैं। आपको इनको नहीं देखना है, यानी कि इधर नंबर वाइज लिखे हुए हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये गलती बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे और सबसे चॉइस कर देंगे। एक नंबर में लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक लिख देंगे, यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो 9 लिख देंगे। ये क्या है, सरासर बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा है, आप यहाँ पर देखिएगा 108 विभाग है। कितने विभाग है, 108 विभाग है। अब आपको 108 चॉइस करनी है, किस प्रकार करोगे वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, आपको ये लगा, मान लो ये वाला लगा है, किसी को कौन सा लगा, ये वाला लगा जिला कलेक्टर जालौर का, कोई जालौर का, तो इसको विद्यार्थी क्या करेगा, एक नंबर लिख देगा यहाँ पर, क्या करेगा, एक नंबर। इसी प्रकार मुझे मान लो ये संभागीय आयुक्त अजमेर वाला, ये मुझे दूसरे नंबर पर पोस्ट लेनी है, यानी कि दूसरे नंबर पर मुझे अच्छा ये लगा, तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर यहाँ लिख दूंगा। उसी प्रकार मेरे को अजमेर जिला कलेक्टर अजमेर वाला मुझे तीसरे नंबर पर अच्छा लग रहा है, तो मैं 3 यहाँ पर भर दूंगा। तो इस प्रकार आपको भरना है, इसमें नंबरिंग जो आगे लिखी हुई है इस हिसाब से नहीं भरने हैं, ठीक है। यानी कि जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ये है इसकी जानकारी, जो कि इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अब यहाँ आपको मान लो जिला कलेक्टर अजमेर ही अच्छा लगा है तो आपको 1 कर देना है, दूसरे में 2 अच्छा लगा है तो 2 अलवर कर देना। यानी कि आपके जो जिला वाला है उसको ही तो पहले आप करोगे, यानी कि आप जैसे कि जयपुर के हो तो जयपुर को करोगे, कोटा के तो कोटा को करोगे, आप तो पास वाला लेने की कोशिश करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे आपको करना है, ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। आप कोई भी जानकारी अधूरी रहती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको PDF लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए स्टडी एकेडमी सर्च करके। और यदि आपको फिर भी इसमें सेलेक्ट करना समझ में नहीं आया तो मेरे नंबर है, और मैं आपको प्रूफ के लिए ये नंबर देता हूँ, क्योंकि यदि मैं गलत आपको इन्फॉर्मेशन देता तो ये जानकारी के लिए आपको नंबर नहीं देता, क्योंकि हमारा है अधिकार कि बच्चों को पूरी जानकारी दें। यदि उनको फिर भी दिक्कत आती है, मेरे भाइयों को और बहनों को, तो उनके लिए हम जानकारी पर्सनली भी दे सकें। तो हमारे नंबर है 9037-2359, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप, इसमें आप मैसेज करेंगे, आपकी मैं हेल्प जरूर करूंगा, ये हमारा वादा है दोस्तों। आप हमेशा मेरे भाई हो, और मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ कुछ भी समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए हमारा चैनल है, ये आपका ही चैनल समझ लीजिएगा चैनल, और आपको हम न्यूज देते रहेंगे, हमारे माध्यम से कोई भी न्यूज आती है तो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आपको घर वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद दोस्तों।